हाय फ्रेंड्स, सीक्रेट टेक्नीशियन सर्किट में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास TE113 ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट है मेरे पास, क्योंकि ये स्पीकर जो कि मार्केट में बहुत ही अवेलेबल है। तो एक्चुअली सर्किट में प्रॉब्लम क्या है, इस सर्किट का सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो फिर भी इसका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम 2-3 मोबाइल ट्राई भी कर चुके हैं लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमने IC को जब चेक किया तो IC हीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ कनेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे नाम से बोलते हैं, कई लोग इसको ब्लूटूथ क्रिस्टल भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्रिस्टल भी बोलते हैं, तो ब्लूटूथ सिग्नल भी बोलते हैं, तो मैं इसको ब्लूटूथ सिग्नल ही बोलता हूँ। ठीक है, तो इस ब्लूटूथ सिग्नल को आप चेंज कर दीजिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ब्लूटूथ IC अगर हीट नहीं हो रहा है, तो अगर ब्लूटूथ IC हीट हो रहा है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको IC चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप IC को पहले चेंज मत कीजिए। ठीक है, तो पहले आप इसको ब्लूटूथ सिग्नल को आप चेंज कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट इस ब्लूटूथ सिग्नल का आता है। ठीक है, आप एक बार अगर ब्लूटूथ सिग्नल को चेंज कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप कुछ ना देख के आप अगर ब्लूटूथ IC को आप अगर निकाल दोगे तो आपको बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका प्रिंट पिन बहुत ही छोटा छोटा इसका पिन है। ठीक है, तो आपको बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये कहीं मिलता भी नहीं है। ठीक है, आप किसी और सर्किट से निकाल कर आप लगा सकते हो। तो मेरी बात मानो तो आप इसको पहले मत निकालो। ठीक है, इस ब्लूटूथ सिग्नल को पहले चेक करो। ठीक है, इसको चेंज करके आप एक बार देख लो। तो अगर एक बार आप इसको चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी 2-3 ऐसे फॉल्ट को रिमूव किया है, ऐसे फॉल्ट को ठीक किया है। तो आप देख सकते हैं इसका नंबर 24000 है। तो आपको जो लगाना है ऐसा ही सर्किट का खोल के आपको लगाना है, तो ही आपका एकदम अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।